Morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello. Good evening, everyone. Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. India's number one online education channel plus a part of Anna Academy. तो आज के पूरे दिन में जो questions पूछे गए हैं, उसको आज यहाँ पे complete कर रहे हैं. ठीक है. Which one of the following फ्लो एज अ फूड इन द प्लांट बॉडी. तो ग्लूकोज आप लोगों ने कई ने टिक कर दिया है. आंसर जो है ना वो इसमें शुगर करके यहाँ पे टर्म किया जाएगा. ठीक है. दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर यहाँ पे सिर्फ मैं आपको साइंस सेक्शन की यहाँ पे बात करूँ तो पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल भी यहाँ पे टफ नहीं बोलेंगे इसको. एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा है जहाँ पे फॉर्मुलेज आपको दिए थे और आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो था उसको ठीक करके पूछना था यहाँ पे. तो CaOCCaCO3 बेकिंग पाउडर वॉशिंग सोडा या ऑल के ऑल. तो आपका जो लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOH होल ट्वाइस करके टर्म किया जाता है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है. बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 करके टर्म किया जाता है. ठीक है. तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसके लिए हम यहाँ पे टर्म करते हैं. राइट. नेक्स्ट देखो एक थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कैसे एलिमेंट्स इसमें बनाए जाते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक करके आपको मेंशन है. तो आप याद रखिएगा, पहली बात ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 18 में कौन आते हैं एलिमेंट्स आपके, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन. हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन ये सारे आते हैं आपके. ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी कि आर्गन. जैसे डाई एटॉमिक क्या O2, ट्राई एटॉमिक क्या O3, टेट्रा एटॉमिक क्या P4, पेंटा एटॉमिक क्या 5, हेप्टा ऑक्टा आपका सल्फर जो है वो हो गया. उसी तरीके से आपकी जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आपके क्या बनाते हैं, मोनो एटॉमिक. कंडीशन दैट कॉजेज ब्लर्ड विजन जो है वो किसकी वजह से होता है, तो आंखों की बीमारियों के बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया है. दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन सेम आगे की शिफ्ट में भी रिपीट किए गए हैं. तो ब्लर्ड विजन धुंधला दिखाई देने लग जाता है एस्टिगमेटिज्म की वजह से, एस्टिगमेटिज्म. राइट. तो ये सिलेंड्रिकल चीज़ें जो होती हैं वो विजुअलाइज नहीं होती हैं, मतलब जो खड़ी चीज़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, तो वो आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जिंक का और पूछा है, अब उसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा. स्फेलराइट भी होता है यहाँ पे जिंक और, जिसको जिंक ब्लैंड बोलते हैं. उसके अलावा कैलामाइन भी आपको याद रखना है, कैलामाइन भी जिंक और ही बोला जाता है. ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसके हिसाब से आप आंसर करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो ऑक्सीजन 16th ग्रुप, ठीक है, 16वें ग्रुप को बिलोंग करता है और यहाँ पे पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है. ऑक्सीजन की पूरी फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनिया, ये टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 5 एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं. ऑक्सीजन की जो एलिमेंट का जो नंबर होता है वो आपको याद रखना है. यहाँ पे 16 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. आपको पूरा इसका एलिमेंट नंबर याद रखोगे, एटॉमिक नंबर याद रखोगे तो आपका इसका जो मास है और उसके बाद उसकी जो बैलेंसी है वो आप कर पाओगे यहाँ पे. ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8, 2, 6 करके इसको टर्म किया जाता है. बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, बैलेंसी कितनी है इसकी 2 करके आप लोग याद रखिएगा. ग्लूकोमा कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ग्लूकोमा उस चीज़ को या उस बीमारी को बोलते हैं जो आंखों से रिलेट करती है, आई की या आंखों की बीमारी है जिसमें ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, चीजें जो है वो धीरे धीरे कम दिखाई. देखो
अगर आप नॉर्मली अभी अपनी आंखों से देखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें एक 170 डिग्री का एंगल बना के आपको एक आंख से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोमा किसी को हो जाता है तो उसकी आंखों का जो विजन का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ विजन जो है वो घट जाता है और आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो हो जाता है, राइट। एटॉमिक नंबर सल्फर का पूछा हुआ है तो 16 करके याद रखना है। इसका एटॉमिक मास जो है वो 32 रहता है। एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन फैमिली को ये बिलोंग करता है, अभी पीछे बताया आपको। देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, सिंपल याद रखना है। ब्लू एल्गी जो है वो किस तरीके का बैक्टीरिया है, तो सियानो बैक्टीरिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे था कि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक है। गॉल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और एक ऑप्शन आपको वहाँ पे और दिया हुआ है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो वहाँ पे थायलाकॉइड मेम्ब्रेन करके याद रखिएगा। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला रोग, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें से आपका रिकेट्स या जो भी ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों हड्डियों की बीमारी है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं या हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उसके लिए बोला जाता है, राइट। मक्खन में किस तरीके की स्मेल आती है, तो जैसे आप में से सुबह किसी ने बोला था कि ब्यूटायरिक ऑप्शन में नहीं था, तो क्या ऑप्शन में था एक बार देखिए। अदरवाइज मक्खन के अंदर जो स्मेल आती है ना उसके ख़राब होने के बाद, वो ब्यूटायरिक एसिड की वजह से ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका, रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में कहाँ से इनका निर्माण होता है, तो आप RBCs, WBCs या प्लेटलेट्स, तीनों तरीके की जो सेल्स हैं वो आपके बोन मैरो वाला जो एरिया होता है हड्डियों का, वहीं से प्रभावित होते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो किसको बोला जाता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का पहले तो आप फॉर्मूला याद रखोगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे CH3COH करके इसको टर्म किया जाता है। एसिटिक एसिड की मात्रा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रहेगी, डाइल्यूटेड फॉर्म में ही रहेगा, तो उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड करके टर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हु डिस्कवर्ड स्पाइरल शेप्ड ऑफ DNA, स्पाइरल की जगह आपको हेलिकल शेप भी यहाँ पे लिखा रहेगा, हेलिकल शेप करके याद रखना है आपको। सबसे पहली बार DNA की जो खोज की गई थी वो फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा की गई थी, और उसके बाद वहाँ पे उसको डिटेल स्टडी करना स्टार्ट किया था बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें से आपको याद रखना है जेम्स वॉटसन एंड फ्रेंसिस क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने उसका जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा जो DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको उन्होंने वहाँ पे दिया था, मतलब उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, और इसी चीज़ के लिए 1953 में वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये ऑप्शन में नहीं है राइबोसोम, इसको आप ठीक करिएगा। यहाँ पे थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से आज दो क्वेश्चन आए हैं, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखो, एल्गी इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो का, तो एल्गी वाला टॉपिक एक बार कवर करना जाना बनता है, तो एक बार आपको यहाँ पे अगर आपको आगे एग्जाम है आप लोगों में से किसी का, तो प्लीज़ करके एक बार एल्गी जो है ना वो रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कंडेंसेशन ऑफ एयर, बर्निंग ऑफ कॉपर, मेल्टिंग ऑफ आइस और इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर आपको बर्निंग जो है वो लिखा हुआ है तो वो हमेशा आपका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस के लिए यहां पे टर्म करते हैं, जबकि बाकी की जो तीन चीजें हैं उसको आप दोबारा से ले सकते हो, ऑप्टेन कर सकते हो, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट, संड्यू, वीनस फ्लाई, ये सारे के सारे आपके कार्निवोरस प्लांट्स करके टर्म किए जाते हैं। ऑल ऑफ दी अबव जो है वो ऑप्शन में आपको चौथा ऑप्शन दिया हुआ था, ये करेक्ट आंसर होगा। कार्निवोरस प्लांट्स उन पौधों को बोलते हैं जो कि कीड़ों को पकड़ के खा जाते हैं, और उनका जो नाइट्रोजन है ना उसको नाइट्रोजन को ऑप्टेन कर लेते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच नॉवल गैस लाइज इन थर्ड पीरियड विच हैज जीरो एफिनिटी, तो पहली चीज तो ये कि जो भी आपके नॉवल गैसेज होती हैं वो सबकी जीरो एफिनिटी होती है। इन तीन चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपके, इसमें नॉवल गैस ही एक ही है, आर्गन करके याद रखिएगा। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और अननॉक्टियम, ये सारे के सारे आपके नॉवल गैसेस करके टर्म किया जाता है, और इनका ऑक्टेट जो है वो फुल होता है, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं।
विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नोन एज ब्लू विट्रियल. तो ऑप्शन में आपको जेड एन सी यू और ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, ब्लू विट्रियल और वाइट विट्रियल, ये सीधा सीधा आपको कॉपर सल्फेट ऑप्शन दिया है. तो सी यू एस ओ फोर जो है वो आपका करेक्ट आंसर. विच एलिमेंट कैन बी कट बाय नाइफ, तो आपको सोडियम या पोटेशियम दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हो वो दोनों आपके करेक्ट हैं. और आगे के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा, दो एलिमेंट जो हाथ पे रखने पे पिघल जाते हैं, सीजियम और गैलियम, आप दोनों याद रखिएगा जो भी ऑप्शन में आते हैं. हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाती है, तो हार्ट जो है ना वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिस्टॉल. और जब वो रिलैक्स करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइसिस्टॉल करके टर्म किया जाता है. ठीक है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी. केमिकल नेम विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनॉल करके याद रखिएगा, रेटिनॉल केमिकल का विटामिन ए का केमिकल नेम होता है. यहाँ पे कौन सा विटामिन हमारे बालों के अंदर प्रेजेंट होता है, या देखो विटामिन बी की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी होगी तो आपके हेयर और नेल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है. तो विटामिन पूछे हैं तो बी करके अपन याद रखेंगे. लैक्टोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रखिएगा. और दूसरा, जैसे गोल्ड की प्योरिटी बतानी है आपको, किसी चीज़ की गोल्ड की प्योरिटी बतानी है, तो भी आपका लैक्टो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ही इस्तेमाल किया जाता है डेंसिटी बता के. विच थिंग्स रिप्रेजेंट बाय जी इन अ केमिकल रिएक्शन, तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो, अगर एस लिखा है तो वो सॉलिड होता है, जी लिखा होता है तो गैस होता है, और एल होता है तो वो लिक्विड करके टर्म किया जाता है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है. अनियन एंड गार्लिक किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो वहाँ पे बल्ब, ट्यूबर, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं. तो बल्ब जो है ना वो आपका राइजोम एक ऑप्शन दिया है, बल्ब दिया है, ट्यूबर दिया है, तो बल्ब जो है ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. द अपर लेयर ऑफ दी स्किन इज कॉल्ड एज, तो सबसे बाहर की जो हमारी स्किन की लेयर होती है ना उसको एपिडर्मिस करके टर्म किया जाता है, दूसरी डर्मिस करके बोली जाती है, और सबसे आखिरी में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस करके, आप लोग याद रखोगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो सी ओ टू, सी ओ, ओजोन और सी एच फोर. तो आप लोग याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ओजोन गैस नहीं है, जबकि ओजोन खुद सी एच फोर और सी ओ टू जो है वो आपकी ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस बोली जाती हैं. उसके अलावा वाटर वेपर का परसेंटेज या वाटर वेपर सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस बोली जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, दे ऑल आर टर्म्ड एज व्हाट, द ग्रीन हाउस गैसेस, राइट. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका, IUPAC नेम ऑफ डाइमिथाइल कीटोन, तो कीटोन को RC डबल बॉन्ड O और R से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, कीटोन का CH3COCH3 करके आपको याद रखना है. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दी C2H6, तो इसको कैसे लिखेंगे, C2, ठीक है, H6, कितने H बन जाएंगे यहाँ पे, 6 बन जाएंगे. तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये वाला, तो 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. केमिकल फॉर्मूला एल्काइन्स का पूछा है, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, केमिकल नहीं बोलते हैं. क्वेश्चन में आपको केमिकल फॉर्मूला बोला है लेकिन लिखा आपको इस तरीके से है वहाँ पे ऑप्शन में. तो केमिकल फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, तो CnH2n-2, एल्काइन्स में CnH2n-2, एल्कीन्स में CnH2n, और एल्केन्स जो होते हैं उसमें CnH2n+2 करके आपका आएगा. तो ये पॉइंट याद रखिए. एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो फैट, आपके शरीर में जो वसा होती है ना, फैट जो होती है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, तो फैट को स्टोर करेंगे. कि ब्लड की ग्रुप्स की जो डिस्कवरीज थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड को AB O जो ब्लड टाइप था वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, और AB जो ब्लड ग्रुप है वो डिकैस्टेलो स्टर्ली जो कि कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट थे उनके द्वारा किया गया था. थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कौन सा होता है, तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो 2-3 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, T3, T4 और थायरोक्सिन, जिसमें से थायरोक्सिन वाला जो पार्ट है ना उसको हम T4 करके टर्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अल्ट्रासोनिक
साउंड इज यूज टू डिटेक्ट विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो एक चीज आप याद रखिएगा, मेटल के लिए यहाँ पे पूछा हुआ है. अल्ट्रासाउंड जो है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती हैं, इसको बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपने अभी देखा है मॉल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, जिनमें मेटल्स बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, लोहा इस्तेमाल किया जाता है, कांच इस्तेमाल किया जाता है. इस तरीके की बिल्डिंग्स में अगर किसी भी तरीके का क्रैक हो जाता है ना, या छेद हो जाता है, तो आप जनरली उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे बाय मैनुअली उसको देखने पे, या कितने भी लोग लगा दो. अगर कहीं पे कोई रप्चर आ गया है, कहीं पे उसमें बीच में कोई फ्रेगमेंटेशन हो गया है, कोई होल हो गया है, कोई थोड़ा सा डिस्कार्डमेंट हो गया है, जगह खाली हो गई है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है उसी को यूज़ करना पड़ता है. और अल्ट्रासोनिक साउंड एक छोटा सा भी अगर गैप आया होगा ना, या डिफेक्ट आया होगा, उसको करेक्ट करने का काम करता है. अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे रिपीट करेंगे, ठीक है. प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, जो प्रोटीन बताने हैं जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है. तो केराटिन करके याद रखिएगा, केराटिन जो है वो हमारे बालों में प्रोटीन होता है, उसमें प्रेजेंट होता है. पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 है, तो वो क्या है आपका, यहाँ पे बेस करके टर्म दिया जाएगा. अच्छा, TSH भी दिया हुआ है आपका, और T4 भी दिया हुआ है ना, तो T4 जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है. अब बाकी एक बार चीज़ें एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो आप बताते नहीं, ऑप्शंस नहीं बताते हो, इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे. बाकी क्वेश्चंस देखो यही है, एटलीस्ट आप टॉपिक्स यहाँ से देख सकते हो किस तरीके के टॉपिक्स आपको पूछे जा रहे हैं. आगे पीएच वैल्यू अगर 7 से 14 पूछी गई है तो आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा, 0 से 7 पूछी जाएगी तो एसिड हो जाएगा, और 7 पूछी जाएगी तो न्यूट्रल्स. अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं. अदरवाइज आपका यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस दिए हों उसको आपको याद रखना है, ठीक है. अभी क्वेश्चन ये है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स का लेवल है वो मॉडरेट है. कभी कभार चीज़ें जब एक आधा क्वेश्चन टफ आ जाता है तो हमें पूरा पेपर ही टफ लगने लगता है यहाँ पे. बट याद रखिएगा, पेपर का लेवल इज़ मॉडरेट, बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई पेपर है नहीं. अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो चीज़ों को लेके, चीज़ों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो आपको किसी भी तरीके क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं. देखो, आपको 100% मार्क्स नहीं लेके आने, 90% भी नहीं लेके आने. अगर आप 70, 80, 60 के रेंज में कहीं पे हो तो यू आर एन अ गुड स्कोर, बशर्ते आपके नेगेटिव ज़्यादा ना हुए हों. अगर आप 75 के आसपास भी करके आए हो और हार्डली 1 या 2 नेगेटिव है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब हो जाएगा. आप करके 80-80 क्वेश्चन आ जा रहे हो, 10-10, 12-12, 15-15 नेगेटिव हैं, तो दिक्कत ना उन कंडीशंस में आ जाती है जब आपके नेगेटिव खराब होते हैं. मैं आपको पहले दिन से, जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तभी से मैं बोल रही हूँ आपको, नेगेटिव नहीं करने हैं, ठीक है. चाहे आप 65 क्वेश्चंस करो, नेगेटिव मत करो. भले ही आप 63 क्वेश्चंस करो, नेगेटिव जहाँ पे आप करने लग जाते हो ना, चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं. तो आगे जिनका भी एग्ज़ाम है वो आप याद रखिएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा. नेगेटिव नहीं करना है इस बार, मतलब थोड़ा सा बस नेगेटिव अगर आप बचा गए ना, हाथ कंट्रोल कर गए आप, तो आप एग्ज़ाम में इन हो, ठीक है. बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, एग्ज़ाम्स नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है. अगर आपको पेपर आ रहा है तो आप 85-90 भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर थोड़ा भी लग रहा है डिफ़िकल्ट है, चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो 70 पे अपना हाथ खींच लो, ठीक है. बाकी यस, कल आपका यहाँ पे वापस जो कल का एनालिसिस होगा वो करते हैं. टिल देन चीज़ें रिवाइज करिए, और मेरे ख्याल काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसीलिए बच्चे जो है ना वो आपका यहाँ पे नहीं अवेलेबल है ना. ओके राइट, कल वापस मिलते हैं, सबसे पहले एनालिसिस में और उसके बाद शाम की क्लास में. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय.